आंखों में यार मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले बिहार दरोगा कटअप से रिलेटेड। आप पहले से ही बहुत सारा YouTube पर बहुत सारा वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों, आप बहुत सारा वीडियो देखे होइएगा YouTube पर कटअप। लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट का समय है दोस्तों, तो एक वीडियो और देखिए। अगर लगे आपको कि हाँ भाई यही कटअप जा सकता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बिहार दरोगा जो कटअप कितना जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2019 के बारे में, जो 2019 में दोस्तों वैकेंसी आया हुआ था, तो 2446 पोस्ट था और स्टूडेंट की संख्या, जहां की रिजल्ट में बताया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में, तो 2,35,961 कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिए थे और 2,49,132 स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिए थे प्रीवियस ईयर में, और टोटल कितना, तो 4,85,093 कैंडिडेट जो 2446 वैकेंसी आया था उसमें एग्जामिनेशन दिए थे, ठीक है। और इस बार बात करेंगे दोस्तों, तो इस बार 2213 पोस्ट हैं, तो प्रीवियस ईयर के पोस्ट के तुलना में कितना पोस्ट कमी है दोस्तों, तो 233 पोस्ट इस बार कम है दोस्तों। उसके बाद स्टूडेंट के संख्या, तो पिछले बार कितना था, तो 4,85,093 कैंडिडेट, इसमें इस बार 6.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। अगर मान लीजिए सपोज अगर आप एग्जामिनेशन दिए हैं, तो देखे होइएगा कंफर्म कि 90% प्रेजेंटेशन था दोस्तों। अगर 90% प्रेजेंटेशन निकाल लेंगे तो कितना होगा, अगर 6.5 लाख, तो 5,85,000 कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए, तो पिछले साल के तुलना में 1 लाख है ना दोस्तों, लाख कैंडिडेट ज्यादा इस बार फॉर्म फिलअप किए और एग्जामिनेशन दिए हैं। तो देखिए 233 सीट भी कम है और इस बार मतलब कैंडिडेट की संख्या भी ज्यादा है, तो क्या इस बार लगता है कि आपको कटअप ज्यादा जा सकता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर जो पिछले बार आपको 2446 में जितना एग्जामिनेशन हुआ, 1717 का एग्जामिनेशन हुआ इससे पहले, तो हर बार अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ, इसी कारण से इस बार ज्यादा कटअप जाने की संभावना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कटअप क्या गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर कटअप, यानी जनरल कैंडिडेट अगर आप 66.1 यानी 132.2 मार्क्स लाए हुए थे तो आप क्वालिफाइड थे, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 58.8 था, आप इसका मार्क्स देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद बीसी का 62.6 था और ईबीसी का कितना था, 59.3 था, और एससी का 51.9 था और एसटी का 58.3, और फ्रीडम फाइटर का दोस्तों 30 नंबर था, ठीक है, 30 मार्क्स। वही फीमेल कैंडिडेट प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 44 मार्क्स था और ईडब्ल्यूएस का 30 था और बीसी का 36.3 था, और उसके बाद ईबीसी का 30 था, एससी का भी 30 था, एसटी का थोड़ा ज्यादा चला जाता है दोस्तों, ताकि 1% ही आरक्षण दिया गया है दोस्तों इसमें स्टेट गवर्नमेंट में एसटी का, इसीलिए कैंडिडेट की संख्या ज्यादा और वैकेंसी बहुत कम ही रहता है, इसलिए इसका कटअप एससी से ज्यादा चला जाता है। तो पिछले बार भी ज्यादा गया था, 33.5 यानी 67 मार्क्स गया था, और फ्रीडम फाइटर के 30। अगर फ्रीडम फाइटर में लिमिटेशन नहीं रहेगा 30% लाने का, तो इसका तो कटअप और कम जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा पिछले बार के तुलना में इस बार का, पिछला बार का डाटा और इस बार का डाटा जो देख लिए दोस्तों, तो देख सकते हैं आपको इतना कटअप गया। आप बताएंगे दोस्तों कि इस बार क्या कटअप जा सकता है और क्यों इतना कटअप जाएगा दोस्तों, और क्या इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है तो इसमें धांधली हुआ है, तो जी नहीं, इस बार पिछले बार के अपेक्षा में मानिए कि धांधली तो होता है, लेकिन 2 या 10% धांधली हुआ पिछले बार के अपेक्षा में। पिछले बार तो खुल्लम खुल्ला आंसर की वायरल हो रहा था, तो ऐसा बात नहीं था, और पिछला बार क्वेश्चन अकॉर्डिंग
द सिलेबस पूछा गया था, इस बार सिलेबस से हट के क्वेश्चन था। इतना पढ़ने के बावजूद भी लड़का लोग का वीडियो देखे होइएगा दोस्तों, कोई किताब फाड़ रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं, कोई टेंशन में जी रहे हैं, तो क्या करिएगा दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट है ऐसे ही चलता है। तो आइए इस बार का जो क्या कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड, और 100% यही कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। अगर आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप देख लीजिए और मेंस के लिए लग जाइए दोस्तों। तो बहुत ही मतलब सोच समझ के यह कट ऑफ निकाला गया है दोस्तों। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 62 से 64 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो आप जनरल कैटेगरी से तो आप इस बार क्वालिफाई कर जाइएगा दोस्तों। इससे कम नहीं कट ऑफ जा सकता है, ताकि दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर इस बार अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पूछता, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता, तो क्या लग रहा है 233 सीट भी कम है और 1,00,000 लड़का भी ज्यादा मतलब एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं, तो क्या लग रहा है कि पिछले बार की अपेक्षा में कट ऑफ ज्यादा जाता या नहीं जाता। अब अगर एग्री है तो आप यस बोलिए, ठीक है। तो पिछले बार के कट ऑफ अपेक्षा में इस बार कट ऑफ ज्यादा जाता, इस बार कट ऑफ कम रहने का कारण यही हो रहा है कि दोस्तों सिलेबस से हट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसीलिए इस बार कट ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई बता रहा है, बहुत सारा टीचर बता रहा है कि 50 जाएगा, 45 जाएगा, 52 जाएगा, आप ओबीसी है 48 नंबर ला रहे, 52 नंबर ला रहे, 56 नंबर ला रहे तो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा बात भी नहीं है दोस्तों। आपको संतावना दिया जा रहा है, इस सब में फालतू में मत पड़िएगा, ठीक है। सेकंड बात करेंगे, आप ईडब्ल्यूएस से है दोस्तों, तो 56 to 58 मार्क्स ला रहे हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी में है दोस्तों, तो आप 60 to 63 मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। ईबीसी में है दोस्तों, तो आप 59 to 60 मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। वही एससी में है दोस्तों, तो आप 50 to 52 मार्क्स ला रहे हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और एसटी में है तो आप 54 to 58 ला रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 58 मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। और आप 30+ मार्क्स ला रहे हैं फ्रीडम फाइटर जेन मेल कैंडिडेट, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो इतना कट ऑफ अगर लग रहा है कि इतना जाएगा, तो दोस्तों आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है दोस्तों, और मतलब कौन सा शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का बात करेंगे दोस्तों, तो मेल फीमेल में फीमेल कैंडिडेट में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 40+ मार्क्स आ रहा है, शिफ्ट हार्ड होने के कारण आपका 40 मार्क्स आ रहा है फीमेल में जनरल में, तो आपका रिजल्ट होगा। इसके बाद आपका 30 मार्क्स, इसका 35 मार्क्स बीसी का, उसके बाद 30 मार्क्स ईबीसी का, एससी का भी 30 और एसटी का 32 मार्क्स, और इधर फ्रीडम फाइटर का भी 30 मार्क्स। इतना अगर आ रहा है तो आप 100% मेंस का तैयारी में लग जाइए, नो डाउट आपका रिजल्ट आना ही दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, बहुत ही सोच समझा हुआ वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपका बिहार दरोगा कट ऑफ से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट हो और मेंस में लग जाइए अभी से दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।